दोस्तों हमारे पास में ये 0.5 HP का हैवेल्स कंपनी का वाटर पंप है। इस वाटर पंप में दोस्तों कुछ प्रॉब्लम थी, तो किसी मिस्त्री ने इसके कैपेसिटर के वायर हटा दिए। तो दोस्तों इस कैपेसिटर को हमें दोबारा किस प्रकार से लगाना है, आइडेंटिफाई कैसे हम करेंगे कि कैपेसिटर को किन वायरों के साथ में हमें लगाना है। यहाँ पे हमारे तीन वायर हैं, तो तीन वायरों में हम ये कैसे पता लगाएंगे कि इसमें रनिंग कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है एंड कॉमन वायर कौन सा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको DMA मीटर यानी कि मल्टीमीटर के माध्यम से इस मोटर में रनिंग, स्टार्टिंग एंड कॉमन वायर फाइंड करना सिखाऊंगा, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इसमें किन दो वायरों के बीच में हमें कैपेसिटर लगाना है, और मेन वायर हमारे जो इनकमिंग पावर सप्लाई के होंगे वो कौन से होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना फुल, जिससे आपको अच्छी तरह से ये आइडिया हो जाए। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें DMA मीटर यानी कि मल्टीमीटर को ये डायोड वाली जो रेंज है इस पे हमें सेट कर लेना है। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे सेट कर लिया, इसको हम कंटिन्यूटी की रेंज बोलते हैं। तो देखिए मीटर को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, आई होप आपको क्लियर दिखाई देता होगा। उसके बाद में ये दोनों प्रोब्स को टच करके देखना है। देखिए मीटर में बीप की साउंड आना चाहिए, और देखिए जो रीडिंग है वो 00 और 2 की आ रही है। तो दोस्तों बारीकी से हमें इसकी रीडिंग टेस्ट करना है, चलिए हम रीडिंग टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें किन्हीं दो वायरों के बीच में इस मल्टीमीटर को लगाना है। देखिए तो यहाँ पे आप रीडिंग नोट कर लीजिएगा कितनी आ रही है, 33 यानी कि 33 रीडिंग आ रही है। उसके बाद में हमें एक वायर कोई सा भी हटा देना है, मैं ब्लैक वाली प्रोब को हटा देता हूँ ग्रीन वायर से, और दूसरी वाली वायर पे टच करना है उसको। यहाँ पे हमारी 23 यानी कि 23 रीडिंग आ रही है। तो देखिए पहली बार में जब हमने ऑरेंज और ग्रीन को जब टच किया था तो 33 आई थी, और ऑरेंज एंड सिल्वर कलर को जब टच किया था तो हमारी 23 रीडिंग आई थी। तो यहाँ पे दोनों रीडिंगों को आप नोट करते रहना, उसके बाद में हमें ग्रीन और सिल्वर कलर पे टेस्ट करके देखना है। देखिए यहाँ पे हमारी 54 रीडिंग आ रही है, तो इसमें हमारी तीन रीडिंग आई है, एक 23 है और एक 33 और एक 54। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे तीनों वायर फाइंड हो चुके हैं, जिसमें हमारा जो ऑरेंज कलर का वायर है ये कॉमन वायर है, और ये वाला जो है ग्रीन वाला वो स्टार्टिंग का वायर है, और ये सिल्वर कलर वाला वायर रनिंग का वायर है। दोस्तों कॉमन वायर तो फाइंड करना बहुत ही आसान है, वो किस प्रकार से, जब हमने इन दो वायरों को मल्टीमीटर से टेस्ट करा तो इन दो पे सबसे अधिक रीडिंग आ रही थी। जिन दो वायरों पे सबसे ज़्यादा रीडिंग आती है वो हमारे रनिंग स्टार्टिंग के वायर होते हैं, और इन पे ही हमें कैपेसिटर लगाना होता है, और जो दूसरा बचा सिंगल वायर ये हमारा कॉमन वायर हो जाता है। तो दोस्तों अब कॉमन वायर से हमें ये फाइंड करना पड़ता है कि इसमें रनिंग कौन सा है और स्टार्टिंग कौन सा है। तो जिस वायर पे हमारी सबसे कम रीडिंग आ रही है, जैसे कि ये सिल्वर वाला वायर है, इस पे हमारी 23 नंबर की रीडिंग आ रही थी, तो ये हमारा रनिंग वायर हो जाएगा, और इस वाले पे जो 33 की रीडिंग आ रही थी तो ये हमारा स्टार्टिंग वायर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से तो आप वायर को फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब इसमें कैपेसिटर को भी इंस्टॉल करना सीखते हैं। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा रीडिंग होती है उस पर हमारा कैपेसिटर लगता है। तो फाइनली यहाँ पे हमारी जो सबसे ज़्यादा वाली रीडिंग थी उस पर हम कैपेसिटर लगा देते हैं। देखिए दोस्तों जो 0.5 HP की मोटर होती है उसमें जो हम कैपेसिटर लगाते हैं वो देखिए 10 μF का कैपेसिटर लगाते हैं। उसके बाद में दोस्तों जिन दो वायरों के बीच में सबसे कम रीडिंग आई थी उस पर हम इनकमिंग पावर सप्लाई के वायर लगाते हैं। तो देखिए जिन दो वायरों के बीच में सबसे कम रीडिंग आई थी वो हमारा एक वायर था ऑरेंज कलर का, और दूसरा वायर था हमारा सिल्वर कलर का। ये हमारे दोनों इनकमिंग पावर सप्लाई के वायर हो गए हैं। आई होप आपको ये कनेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जिन दो वायरों के बीच में सबसे ज़्यादा रीडिंग आई है यानी कि सिल्वर और ग्रीन वाले जो वायर थे उस पर सबसे ज़्यादा रीडिंग आई थी तो उस पर मैंने कैपेसिटर लगा दिया। उसके बाद में जिन दो वायरों के बीच में सबसे कम रीडिंग आई थी उस पर हमें इनकमिंग पावर सप्लाई के वायर लगाना है। तो ये देखिए एक ऑरेंज और एक सिल्वर पर सबसे कम रीडिंग आई थी, तो यहाँ पर मैंने इनकमिंग पावर सप्लाई के वायर लगा दिए। अब इसको मैं मेन लाइन से कनेक्ट करता हूँ, तो ये प्लग जो है वो मैं मेन लाइन में लगा देता हूँ, और देखिए मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ। देखिए दोस्तों तो फ्रेंड्स देखिए इसके
कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। इस प्रकार से आप भी कनेक्शन कर सकती हैं अगर किसी मोटर में कैपेसिटर लगा हुआ नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।